हेलो फ्रेंड्स, एक और अपडेट आया आप लोगों के लिए इंडियन नेवी में SSR का। अभी मैंने कुछ देर पहले इंडियन नेवी MR का आप लोगों को मैंने वीडियो अपने चैनल पे बना के अपलोड कर दिया हूँ। जो लोग नेवी में जाना चाहते हैं या जो नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, और ये वीडियो भी आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए फ्रेंड्स आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें जिससे आपको हमेशा इस तरह के गवर्नमेंट जॉब के अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। और जी हाँ, वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस तरह के फॉर्म को भर जान सके कि क्या अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इंडिया ने भी अग्निवीर जो SSR का जो है 01/20/23 बैच का जो है क्या क्या इसके डिटेल्स हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्या है वीडियो में देखिए, पहला एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये मैरिड अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल के लिए है। ये जो नेवी SSR का जो रिक्वायरमेंट है टोटल 1400 लोगों का है, उसमें से 280 लोग फीमेल होंगे, उनका बिल्कुल अलग है। 1400 और 280 और लगभग 1680 टोटल पोस्ट है। इनकी जो क्वालिफिकेशंस होगी वो 10+2 होगा विथ मैथ और फिजिक्स, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस द बोर्ड का जो होता है उसमें से होना चाहिए। मतलब कि मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है, इसके अलावा केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर साइंस कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए 10+2 में। कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए 1 मई 2002 से लेके 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस क्या होगी, 4 ईयर का होगा, मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इंडियन नेवी का जो नया अपडेट आया था आप लोगों को बहुत पता ही, इसके बारे में बहुत हंगामा भी हुआ था। तो इंडियन नेवी अग्निवीर के नाम से जो रिक्वायरमेंट है SSR का वो 4 साल के लिए ही रिक्वायरमेंट आया है। लीव छुट्टी आपको 30 दिन के में, इससे 1 साल में आपको 30 छुट्टी मिलेगी और एक्स्ट्रा आप मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल 6 वगैरह अप्लीकेबल होगा। तो सेम पे कितना होगा, 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और बाकी जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ये तो मैं फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी होगी, फर्स्ट ईयर जब जॉब ज्वाइनिंग करोगे आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपये, आपके हैंड में मिलेंगे 21,000 रुपये और 9,000 रुपये कट जाएंगे, राइट। ऐसे सेकेंड ईयर में आपको सैलरी बढ़ करके हो जाएगी 33,000 रुपये, उसमें से आपके हैंड में मिलेंगे 23,100 रुपये और कटेंगे 99,100 रुपये। ऐसा करके फोर्थ ईयर में आपके सैलरी बढ़ते बढ़ते हो जाएगी 4,000 रुपये, कटेगी 28,000 रुपये, 12,000 रुपये कट जाएगी और 28,000 आपके हैंड में मिल जाएगी। टोटल 5,002,000 आपके आपसे कटेंगे और जो गवर्नमेंट इसमें और ऐड करेगी 5,002,000 रुपये, टोटल मिला के लगभग 10,04,000 रुपये हो जाएंगे टोटल 4 साल में। यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह भी है, डेथ इंश्योरेंस भी है, सारे एप्लीकेबल्स हैं। अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैं बात करूँ तो 48 लाख है और जो डेथ इंश्योरेंस है 44 लाख दिया जाएगा, राइट। यहाँ तक आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। अब क्या सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसमें फिर पेपर होगा रिटेन और फिजिकल होगा मेडिकल होगा, ये इसकी बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो इम्पोर्टेंट जो लिंक होगा वो मैं आपको डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम जो पेपर होने वाला है वो उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। पेपर दोनों माध्यम में होंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होंगे, MCQs होंगे। टोटल इसमें 4 सेक्शंस में पेपर होंगे, इंग्लिश होगा उसमें, साइंस होगा और मैथ होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। जो पेपर जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो 10+2 सिलेबस जो आपके पास है उसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। जो प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको इसके जो वेबसाइट है उसका जो मैं लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पर सारे अपडेट आते रहते हैं। ये पेपर होगा 1 घंटे के, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, एक गलत कीजिएगा तो 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। मतलब ये है कि 4 गलत करोगे आपको 1 नंबर कट जाएगा। जो फी है
इंडियन नेवी SSR का, वो 550 रुपये, 550 रुपीज आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, UPI, जैसे आपको इच्छा करे वैसे फॉर्म को आप भर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप रिटर्न पास करोगे, आपका कुछ फिजिकल वगैरह आप देख सकते हो, मेडिकल फिजिकल होगा, मेल को रनिंग करना 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और फीमेल को 8 मिनट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पुशअप वगैरह भी है, ये बिल्कुल इनिशियल लेवल का है। जैसे जैसे आपको आगे मेरिट में मेडिकल, फिर फिजिकल होने के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका जॉब आपका हो जाएगा। और बस कुछ और थोड़े बहुत जो भी है अपडेट्स वो आपको मिलता रहेगा हमारे यूट्यूब के माध्यम से। कैसे करेंगे अप्लाई, जिसका इंपॉर्टेंट लिंक होगा वो मैं आपको डाल दूंगा। फॉर्म भरने का डेट जो है 8 तारीख से शुरू होगा, 17 तारीख लास्ट डेट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इसका इंपॉर्टेंट लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद ज़रूर की जाएगी। आई होप आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर लाइक ज़रूर कीजिएगा।